सो हे गाइस, दिस इज राजकुमार कार्के, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। सो जैसे कि आपको गाइस पता है, हमारे चैनल पे एक न्यू सीरीज चल रही है जो कि है डिटेल ट्यूटोरियल्स ऑफ एनी फ्लिप। सो बेसिकली गाइस, आज का जो वीडियो होने वाला है गाइस, आज के वीडियो में आपको मैं बताऊंगा गाइस बैक फ्लिप का ट्यूटोरियल, एक पूरा फुल डिटेल ट्यूटोरियल दूंगा। और आज के इस वीडियो में गाइस बैक फ्लिप को मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा कि गाइस बैक फ्लिप कैसे करते हैं, उसमें उसके रिगार्डिंग जितने भी डाउट थे तो मैं आज के इस वीडियो में पूरा क्लियर करूंगा। एंड गाइस, आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि नेक्स्ट ट्यूटोरियल किस पे बनाऊं, तो गाइस जाइए इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कीजिए, यूजर नेम राजकुमार टेक्सचर है, तो जाइए फॉलो कीजिए एंड सजेस्ट कीजिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके साथ हाजिर हूँ। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, बैक फ्लिप ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पहले थोड़ा वार्म अप कर ले, उसके साथ साथ गाइस आप थोड़ा जंप पे फोकस करेगा, जिससे कि हाई जंप प्लस चेस्ट टच। सो बेसिकली गाइस, इससे आपको बैक फ्लिप अटेम्प्ट करने में थोड़ा इजी होगा एंड आपकी हाइट अच्छी खासी गेन। सो गाइस, आज के इस बैक फ्लिप ट्यूटोरियल में हम बैक फ्लिप को गाइस पांच स्टेप में डिवाइड करने वाले हैं। सो देखा जाए तो फर्स्ट स्टेप आता है गाइस आपका टेक ऑफ। आपका टेक ऑफ का जो सेटअप होता है गाइस बैक फ्लिप में, सो उस पर हमको गाइस हमेशा थिंकिंग रखना है कि मुझे जगह से स्पीड बनाना है। सो गाइस, अभी चलते हैं सेकंड स्टेप की ओर, जो कि है गाइस आपके बैक फ्लिप में हैंड्स को स्विंग करना होता है। तो देखा जाए तो गाइस, आपकी जो फर्स्ट स्टेप था आप उसमें गाइस आपका क्या था कि आपका टेक ऑफ सेटअप था, तो आपको जगह से स्पीड बनाना है, ये आपको हमेशा थिंकिंग रखना है। एंड गाइस, जब आप सेकंड स्टेप में आते हो आपके हैंड्स में स्विंग करना, तो आपको जितना हो सके उतना पावरफुली प्लस स्पीडली स्विंग करना होता है हैंड्स को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हाइट जनरेट हो। अब गाइस बात करते हैं थर्ड स्टेप की, जो कि है गाइस की लुकिंग फॉरवर्ड। इट मीन्स गाइस, आपकी जो बैक फ्लिप है, आप बैक फ्लिप अगर आगे देखते हो, इससे गाइस आपकी हाइट इंक्रीज होती है। अभी गाइस कैसे होता है आपको मैं बताता हूँ। कॉमनली मिस्टेक गाइस एक्चुअली देखा जाता है, जो बैक फ्लिप अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो आप बैकवर्ड फ्लो में जाते हो एंड आपको जो नेक है, नेक पार्ट है जो डायरेक्टली गाइस आप बैकवर्ड फ्लो में जाते हो, तो आप नेक को भी डायरेक्ट पीछे फेंकते हो, जिससे गाइस आपकी हाइट दब जाती है। आपको ये गाइस नहीं करना है एंड आपको ट्राई करना है कि जब जब अगर बैक फ्लिप अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको गाइस आगे देखना है, एंड जिससे गाइस आपका नेक जो है वो डायरेक्टली बैकवर्ड फ्लो में नहीं जाएगा, वो डायरेक्टली अपवर्ड फ्लो में जाएगा, जिससे गाइस आपकी हाइट इंक्रीज होगी। तो आपको ट्राई करना है कि गाइस आपको आगे देखना है एंड डायरेक्टली वर्टिकली आपको अपवर्ड फ्लो में जाना है। तो चलते हैं गाइस नेक्स्ट स्टेप की ओर, जो कि है एक बैक फ्लिप में टक करना। गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, खासकर जो बिगिनर फ्लिपर है एंड उनके पास गाइस अच्छी खासी एक जंप नहीं है, फिर भी गाइस अगर आप टक पे थोड़ा फोकस करते हो एंड टाइटली टक करते हो, प्रॉपरली टक करते हो बैक फ्लिप में, तो आपके गाइस बैक फ्लिप में लैंडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कैसे सिंपल सा है गाइस, आपको बस जंप करने के बाद थोड़ा अपने नीज को टाइटली टक करना होता है, कि जितना हो सके उतना छोटा होना होता है, जिससे गाइस आपके बैक फ्लिप में रोटेशन फास्ट होता है। सो चलते हैं गाइस सबसे लास्ट स्टेप की ओर, जो कि है बैक फ्लिप में टक रिलीज करना। बेसिकली गाइस देखा जाए तो ये सब कुछ ऑटोमेटिकली होता है। सपोज अगर आप बैक फ्लिप अगर अटेम्प्ट कर रहे हो एक प्लेन सरफेस पे प्लस एक हाइटेड एरिया से, दोनों में गाइस डिफरेंस इतना ही है बस एक हाइट का, बट आप जब अगर अटेम्प्ट कर रहे हो प्लेन सरफेस पे, जब अगर टक रिलीज करते हो तो वहाँ से गाइस आपको ग्राउंड दिखता है। एंड एग्जैक्टली सेम गाइस अगर आप बैक फ्लिप अगर हाइट से कर रहे हो, तो वहाँ से भी गाइस टक रिलीज करने के बाद आपको ग्राउंड दिखता है। बट इट मीन्स ये क्या है गाइस कि आपको सेंस अपने आप हो जाता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है कि हाँ भाई, अब मुझे टक रिलीज करना है एक अच्छी खासी लैंडिंग के लिए। तो बस आपको गाइस ध्यान देना है चारों स्टेप पे जो, एंड पांचवा स्टेप पे जो है टक रिलीज करना, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। सो आई होप गाइस आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। तो गाइस ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आने वाले वीडियो आपको मिलते रहे गाइस। और हम लोग गाइस 200 के सब्सक्राइब जल्द कंप्लीट करने वाले, तो गाइस प्लीज़ इस वीडियो को गाइस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, प्लस अपने दोस्तों से शेयर करो, हर जगह गाइस है ना इंस्टाग्राम में मेंशन करो, अपने स्टोरी में डालो और फिर गाइस मेरे को मेंशन करो। तो मैं चाहता हूँ कि आप सपोर्ट करो, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, 200 के सब्सक्राइब जल्द होने वाले। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी फॉर अ बेटर लाइफ।